सो गाइस, अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आज कुछ कुछ ऐसी खाने की चीज़ें लिस्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। सबसे फर्स्ट, चाय और कॉफ़ी। ये पहली ऐसी चीज़ है जो आपको बंद करनी है अगर आपको पीठ की पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। गाइस, पीठ की पेन तब आता है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती और चाय और कॉफ़ी आपके शरीर में सबसे ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती। तो कोशिश करो चाय और कॉफ़ी बंद करो ताकि आप अपनी पीठ का पेन नेचुरली ठीक कर सको, कम कर सको। सेकंड, डेयरी प्रोडक्ट्स। सही सुना आपने, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूकस क्रिएट करते हैं। ओके, ये म्यूकस फॉर्मिंग फूड्स रहते हैं जो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी का बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन हमारी हेल्थ से, लॉन्जिटिविटी से डायरेक्ट कनेक्शन है, इनवर्स कनेक्शन। यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो हमारी लॉन्जिविटी यानी हमारी एज कम होगी। सो डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको कम करने हैं या बंद करने हैं और आप देखोगे आपके बैक पेन में धीरे धीरे सुधार आपको आते हुए दिखेगा। इस अचार और फ्राइड पापड़, ये हमारे इंडिया के दो ऐसे खाने के साथ खाने वाली चीज़ है जो हमारे शरीर में एसिडिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्राइड पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बेक पापड़ ठीक है बट फ्राइड पापड़ जो सही में हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, ये बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। तो फ्राइड पापड़ भी खाना बंद करो और अचार भी आपको कम से कम क्वांटिटी में खाना है। हाई शुगर फूड्स, अगर आपके डाइट में ज़्यादा शुगर फूड्स है, ज़्यादा प्रोसेस फूड्स है, तो ये भी आपकी बॉडी में बैक पेन लेके आ सकते हैं। ओके, सो ये भी कम करो, हाई शुगर फूड्स आपको कम खाने, ज़्यादा शुगर के फूड्स आप नहीं खा सकते। क्या आपकी बॉडी में अल्कोहल कंजम्पशन लेते हो, क्या आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका बैक पेन हो रहा है और आप नेचुरली उसको कम नहीं कर पा रहे। फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप मानोगे नहीं कि कोक, पेप्सी, डाइट सोडा, ये सब आपकी शरीर में कितने ज़्यादा हार्मफुल है और डेफिनेटली अगर आप ये चीज़ें कम करोगे तो आपका बैक पेन जाएगा। मैं बता दूं, हमारा एक प्रोग्राम भी है हेल्थ फर्स्ट का जो नेचुरली आपकी सारी बीमारियां रिवर्स करने में आपको मदद करेगा। ये एक 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स है। अगर आपको लग रहा है ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है तो ये सब चीज़ों की फोकस मत करो, हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो जहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेसेस कराएंगे आपकी बॉडी को नेचुरली हील करने के लिए, सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करके। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, इसको हम लोग टॉयलेट क्लीनर भी बोलते हैं कि अगर आप इसको बेसन पर डालो, सिर्फ एक ढक्कन, तो वो पूरा बेसन क्लीन हो जाता है, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है ये हमारे शरीर। सो ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप बहुत ही संभाल के अपनी बॉडी में डालो। कहीं ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से भी आपका बैक पेन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हो तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाना कम करो। कुछ कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती है जो अगर आप रेगुलर बेसिस पर खाओ तो आपको बैक पेन हो सकती है। तो ज़रूरी है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और देखिए कि कौन सी दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है आपको रेगुलरली खाने की, या आप बंद कर सकते हो खाना जो आपकी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट कर रही है। ओके, 90% दवाइयाँ ज़रूरी नहीं होती है खाने की, फिर भी हम लोग खाते हैं और वो भी एसिडिटी क्रिएट करती है, वो भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका बैक पेन बढ़ सकता है। सो वो भी ज़रूरी है बंद करना और उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करो हेल्थ फर्स्ट का, हम नेचुरली मदद करेंगे कि वो सब दवाइयों की बीमारी को आप नेचुरली कैसे ठीक कर पाओ। अगर आपको पूरा प्लान चाहिए बैक पेन कैसे रिवर्स करना है तो उसकी एक मैंने वीडियो बनाई है, वो भी देखो। हमारा जो प्रोग्राम होता है हेल्थ फर्स्ट का, अगर वो ज्वाइन कर सकते हो तो वो भी ज्वाइन करो, आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी अपना बैक पेन का प्रॉब्लम रिवर्स करने में। अगर आपको कुछ एक्सरसाइज देखनी है कि क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है आपके लिए बैक पेन के लिए, तो उसकी एक वीडियो है, वो भी देखो, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बैक पेन को रिवर्स करने के। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ज़रूर किसी के साथ शेयर करिए जिसको बैक पेन की प्रॉब्लम है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।